हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको रिवीजन दे रही हूँ लेसन नंबर हिंदी का जो सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, और रिवीजन देती हूँ जो इसका जो नंबर वन है, इसका पार्ट नंबर वन है बेटी, उसके अबाउट में उसका आपको रिवीजन देती हूँ, क्योंकि अभी एग्जाम अपनी जो है जो सेकेंड दूसरी टेस्ट है वह स्टार्ट होने वाली है, इसलिए मैं आपको हिंदी सब्जेक्ट का जो हिंदी सब्जेक्ट है उसका पार्ट वन जो बेटी लेसन है काव्य है मैं उसका आपको रिवीजन देती हूँ। देखिए यहाँ है पढ़ना लिखना तरक्की करना एवं दुनिया में उजियारा फैलाने में नारी कभी पीछे नहीं रही। देखिए नारी भी जितना नर आगे है इतना नारी भी आगे बढ़ रही है। तो जो है पढ़ना लिखना तरक्की करना जैसे आदमी लोग करते हैं ऐसे औरतें भी करती हैं, आगे बढ़ रही हैं हर एक फील्ड में। आए क्या है, औरतें भी हर एक फील्ड में आगे हैं, तो जो मर्दों से भी आगे हो रही हैं। तो पढ़ना लिखना तरक्की करना एवं दुनिया में उजियारा फैलाने में नारी कभी पीछे नहीं रही। वह खुद स्वाभिमान सेल्फ रिस्पेक्ट रखती है से जी कर स्वनिर्भर बन सकती है। वह खुद स्वाभिमान से जीकर स्वनिर्भर बन सकती है। वह सम्मान की अधिकारिणी है। जितना सम्मान पुरुषों को है इतना ही सम्मान क्या है नारी को भी दिया जाता है और देना ही चाहिए। समाज व राष्ट्र को उन्नति में नारी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। प्रस्तुत कविता में एक बालिका है, बालिका की आशा है, उसको ऐसी उम्मीद है एवं भावनाओं को अभिव्यक्ति द्वारा उसके आत्मविश्वास को क्या है व्यक्त किया गया है। उसके जो अंदर है जो दृढ़ निश्चय किया है उसने क्या क्या कर सकती है वो क्या क्या करेगी उसके बारे में बताया गया है। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी सहारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी सहारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी पढ़ूंगी लिखूंगी, मैं मेहनत करूंगी अपने पांव चलकर, मैं दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी सहारा बनूंगी, पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी अपने पांव चलकर, मैं दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी सहारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी। तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी नाचूंगी गाऊंगी। फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी नाचूंगी गाऊंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी सहारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी।
अब हम आते हैं पार्ट वन जो है बेटी कविता, उसका जो हमने कविता पढ़ी उसका सरल अर्थ समझेंगे। मैं बेटी हूँ, मैं अपना विकास करूंगी, यानी अपना विकास करूंगी, अपना विकास कर मैं दूसरों को, दूसरों का क्या बनूंगी, सहारा बनूंगी, उन्हें आश्रय दूंगी। मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। मैं बेटी हूँ, मैं अपना विकास करूंगी, अपना विकास कर मैं दूसरों का सहारा बनूंगी, उन्हें आश्रय दूंगी। मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। जिस तरह आकाश में चांद चमकता है, उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी। चारों ओर मेरा यश फैलेगा। मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। जिस तरह आकाश में चांद चमकता है, उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी। चारों ओर मेरा यश फैलेगा। मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। मैं पढ़ूंगी, लिखूंगी और मेहनत कर आगे बढ़ूंगी। मैं आत्मनिर्भर बनूंगी, पढ़ लिख कर मैं दुनिया के व्यवहारों को देखूंगी और समझूंगी। मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। मैं पढ़ूंगी, लिखूंगी और मेहनत कर आगे बढ़ूंगी। मैं आत्मनिर्भर बनूंगी, पढ़ लिख कर मैं दुनिया दुनिया के व्यवहारों को देखूंगी और समझूंगी। मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। जिस तरह बाग में सुंदर फूल खिलते हैं, उसी तरह मैं दुनिया रूपी बगीचे में खिलूंगी और अपने कार्यों से जीवन में सुगंध फैलाऊंगी। जिस तरह तितली हवा में उड़ती है, उसी तरह मैं भी प्रगति करती हुई अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगी। मंजिल पर पहुंचकर मेरा दिल नाच उठेगा और मैं खुश होकर गाने लग जाऊंगी। मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। जिस तरह बाग में सुंदर फूल खिलते हैं, उसी तरह मैं दुनिया रूपी बगीचे में खिलूंगी और अपने कार्यों से जीवन में सुगंध फैलाऊंगी। जिस तरह तितली हवा में उड़ती है, उसी तरह मैं भी प्रगति करती हुई अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगी। मंजिल पर पहुंचकर मेरा दिल नाच उठेगा और मैं खुश होकर गाने लग जाऊंगी। मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। अब हम आते हैं क्वेश्चन जो है प्रश्न वन जो प्रश्न एक है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए क्या है चौरस में लिखी है। निम्नलिखित नंबर एक है, निम्नलिखित प्रश्न नंबर एक, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए
विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए ये बॉक्स जो दिया है उसमें लिखना है हमें। मैं इस बॉक्स में लिखिए। नंबर एक है जीवन में उन्नति करने के लिए देश आवश्यक है। क्या खाली है यहाँ बताया कि यहाँ पर लिखना है हमें। यह ऑप्शन दिए हैं ए परिवार, बी सहारा, सी शिक्षा, डी परीक्षा। एक है जीवन में उन्नति करने के लिए शिक्षा आवश्यक है। हमें जो एजुकेशन जो है हमारे हमें लेना जरूरी है हमारे आगे बढ़ने के लिए, जो उन्नति करने के लिए हमें, हमारा प्रोग्रेस के लिए हमें क्या जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। नंबर एक जीवन में उन्नति करने के लिए शिक्षा आवश्यक है। इसका जो क्रम अक्षर है, क्रम अक्षर हैगा सी है, तो हम यहाँ लिखेंगे सी। दो नंबर है बेटी का चांद बनेगी, ए परिवार, बी समाज, सी पाठशाला, डी धरती। नंबर दो में लिखेंगे बेटी धरती का चांद बनेगी। आसमान पर एक चांद होता है, दूसरा चांद कौन बनेगी, बेटी धरती का चांद बनेगी। धरती यहाँ लिखेंगे, इसके लिए हम ऑप्शन यहाँ लिखेंगे डी। यहाँ क्या लिखेंगे, डी ऑप्शन। यहाँ क्रम अक्षर क्या है इसका, डी। इसमें है जीवन में उन्नति करने के लिए हमें क्या क्या जरूरी है, हमें शिक्षा जरूरी है। ऐसे ही हमें बेटी क्या है, बेटी धरती का चांद बनेगी। क्या लिखेंगे, बेटी धरती का चांद बनेगी। इसका क्रम अक्षर है डी, तो हम यहाँ लिखेंगे डी। नंबर दो प्रश्न पर आते हैं। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ब्रैकेट में है मेहनत, उजियारा, सहारा, हवा, दुनिया। क्या लिखा हुआ है, मेहनत, उजियारा, सहारा, हवा, दुनिया। एक नंबर में है तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। क्या लेंगे यहाँ से ब्रैकेट में, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। नंबर दो में लिखेंगे धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। यहाँ से लेंगे उजियारा, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। नंबर तीन पढ़ूंगी लिखूंगी, मैं मेहनत करूंगी। यहाँ से लेंगे मेहनत, मैं मेहनत करूंगी। नंबर चार दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को समझूंगी। यहाँ दुनिया लिखेंगे। नंबर चार है दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को समझूंगी। नंबर पांच हवा को चूमूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी। यहाँ से लेंगे हवा। नंबर पांच में है हवा को चूमूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी। नंबर तीन है सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। नंबर एक गगन पे चमके चंदा, आ मैं उजियारा करूंगी, बा मैं धरती पर चमकूंगी, का मैं तारा बनूंगी। लेकिन के है कौन सा आएगा यहाँ पर, जो सही वाक्यांश लिखेंगे हम। नंबर एक है गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पर चमकूंगी। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पर चमकूंगी। नंबर दो अपने पांव चलकर मैं
आहे मेहनत करूंगी, बा दुनिया को समझूंगी, का दुनिया को देखूंगी। नंबर दो, अपने पांव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, अपने पांव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी। नंबर तीन, तितली बनूंगी मैं, हवा को चूमूंगी, बागों में खेलूंगी, का नाचूंगी गाऊंगी। नंबर तीन, तितली बनूंगी मैं, हवा को चूमूंगी, तितली बनूंगी मैं, हवा को चूमूंगी। प्रश्न चार, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिख। प्रश्न चार, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। नंबर एक, बेटी तारा बनकर क्या करेगी? बेटी तारा बनकर क्या करेगी? बेटी तारा बनकर दूसरों को सहारा देगी। बेटी तारा बनकर क्या करेगी? बेटी तारा बनकर दूसरों को सहारा देगी। प्रश्न दो, बेटी धरती पर किसकी तरह चमकना चाहती है? बेटी धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है। नंबर दो, क्वेश्चन नंबर दो, बेटी धरती पर किसकी तरह चमकना चाहती है? बेटी धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है। प्रश्न तीन, बेटी किस लिए मेहनत करेगी? बेटी अपने पैरों पर खड़े होने के लिए मेहनत करेगी। नंबर तीन, बेटी किस लिए मेहनत करेगी? बेटी अपने पैरों पर खड़े होने के लिए मेहनत करेगी। प्रश्न चार, दुनिया को समझने के लिए बेटी क्या करेगी? प्रश्न चार, दुनिया को समझने के लिए बेटी क्या करेगी? दुनिया को समझने के लिए बेटी पढ़ लिख कर अपनी बुद्धि का विकास करेगी। दुनिया को समझने के लिए बेटी पढ़ लिख कर अपनी बुद्धि का विकास करेगी। प्रश्न पांच, बेटी अपने पांव पर कैसे खड़ी होगी? बेटी अपने पांव पर कैसे खड़ी होगी? बेटी पढ़ लिख कर अपनी मेहनत से अपने पांव पर खड़ी होगी। नंबर पांच, बेटी अपने पांव पर कैसे खड़ी होगी? बेटी पढ़ लिख कर अपनी मेहनत से अपने पांव पर खड़ी होगी। प्रश्न छह, बेटी कब नाचेगी और गाएगी? प्रश्न छह, बेटी कब नाचेगी और गाएगी? बेटी अपनी मंजिल पर पहुंचकर नाचेगी और गाएगी। बेटी अपनी मंजिल पर पहुंचकर नाचेगी और गाएगी। प्रश्न चार, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्यों में लिखिए।
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, हमें एक पहले ऊपर एक एक वाक्य के उत्तर लिखे, अब यहाँ दो दो वाक्यों में हमें उत्तर लिखना है। नंबर प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्यों में लिखिए। एक, आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे? आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे? आत्मनिर्भर बनने के लिए हम पढ़ाई करेंगे। आत्मनिर्भर बनने के लिए हम पढ़ाई करेंगे। हम अपनी योग्यता के अनुसार कोई काम को, हमारा काम भले, परंतु हम उसमें सफल होने की पूरी कोशिश करेंगे। नंबर 2, बेटी सहारा बनने के लिए क्या क्या करेगी? बेटी सहारा बनने के लिए पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी। वह अपने पैरों पर खड़ी होगी। वह अपने पैरों पर खड़ी होगी। इस तरह सहारा बनने के लिए बेटी खुद को लायक बनाएगी। नंबर 2, प्रश्न 2, बेटी सहारा बनने के लिए क्या क्या करेगी? बेटी सहारा बनने के लिए पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी। वह अपने पैरों पर खड़ी होगी। इस तरह सहारा बनने के लिए बेटी खुद को लायक बनाएगी। नंबर 3, बेटी दुनिया को कैसे समझना चाहती है? बेटी दुनिया को कैसे समझना चाहती है? बेटी मेहनत कर पढ़ाई करेगी और अपनी बुद्धि का विकास करेगी। वह लोगों के कार्यों और व्यवहारों को देखेगी। इस तरह बेटी दुनिया को समझना चाहती है। बेटी मेहनत कर पढ़ाई करेगी और अपनी बुद्धि का विकास करेगी। वह लोगों के कार्यों को और व्यवहारों को देखेगी। इस तरह बेटी दुनिया को समझना चाहती है। 4, प्रश्न 4, बेटी तितली बनकर क्या करना चाहती है? नंबर 4, बेटी तितली बनकर क्या करना चाहती है? बेटी तितली बनकर बागों में घूमेगी और हवा को चूमेगी। वह मस्त होकर नाचेगी और गाएगी। इस तरह तितली बनकर बेटी जीवन की स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहती है। 4, बेटी तितली बनकर क्या करना चाहती है? बेटी तितली बनकर बागों में घूमेगी और हवा को चूमेगी। वह मस्त होकर नाचेगी और गाएगी। नाचेगी और गाएगी। इस तरह तितली बनकर बेटी जीवन की स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहती है। चक विशेषण छाटकर
लमचौरस में लिखी है। नंबर एक, वरदराज चतुर बालक था। अब चतुर क्या है, इसका गुणवाचक विशेषण है। नंबर दो है, फूल बाजार में पीले गुलाब मिलते हैं। पीले क्या है, गुणवाचक विशेषण है, इसलिए हमें यहाँ लिखा है पीले। नंबर तीन, मिर्च का स्वाद तीखा होता है। तीखा है गुणवाचक विशेषण, यहाँ लिखेंगे इसमें से तीखा। नंबर चार, शहरों में पंजाबी खाना मिलता है, इसका गुण विशेषण इसमें हैगा जो वो है पंजाबी। नंबर पांच, सफेद कपड़ों में दाग तुरंत दिखाई देते हैं, देता है, तो यह है सफेद जो है वो गुणवाचक विशेषण है।